हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अमान उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है ये भी बता दो। पहले तो राविया घबरा जाती है, लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो अमान। तो कहता है आप मुझे लाइक करते हो ना। तो रवि बोलती है हाँ करती हूँ लाइक, बट एक दोस्त के नज़रिए से। इससे ज़्यादा मैंने आपको कभी किसी और नज़र से नहीं देखा है, और आपको उस तरीके से तो कभी नहीं देखा। एक लाइफ पार्टनर के नज़रिए से तो मैंने आपको कभी भी नहीं देखा है। तो अमान आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप प्लीज़ इस बात को दिल पे मत लीजिएगा प्लीज़। अमान को बुरा लगता है ये सुनकर, उसका तो जैसे दिल ही टूट गया हो। तो राबिया बोलती है हम लोग दोस्त बन कर रहे हैं जैसे अभी हैं, और आप तो बहुत अच्छे दिखते हो अमान, आपको तो मुझसे कहीं गुना अच्छी लड़की मिल जाएगी। अमान बोलता है हाँ मिल जाएगी, बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन वो आपके जैसी तो नहीं होगी ना। लेकिन आपने मुझसे सारी बातें क्लियर कर ली, ये मुझे अच्छा लग रहा भैया। थैंक यू मुझे अंधेरे में ना रखने के लिए, और मेरे इस फीलिंग को बहुत ज़्यादा दिनों तक ना बढ़ाने के लिए। अगर आप दोस्त बना के रखना चाहती हैं तो हम दोस्त बन कर रहेंगे। मैं आज के बाद आपको कभी तंग नहीं करूँगा। राबिया कहती है मैं आपके लिए दूसरी जीव ढूंढ दूंगी जो मुझसे अच्छी होगी। अमान बोलता है नहीं रहने दो, मुझे नहीं चाहिए अब कोई, अभी तो दिल टूटा है। और कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ राबिया, बहुत ज़्यादा प्यार, शायद भुला भी नहीं पाऊँ आपको। आप पहली लड़की हो जो मुझे अच्छी लगी थी, जिसको मैंने लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो चाहोगे वही होगा, टेंशन मत लो। और मुझे मेरे माँ बाप ने कभी ज़बरदस्ती करना नहीं सिखाया, तो मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहना। मेरे लिए लड़की का नो मीन्स नो ही होता है। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो आपको परेशान करूँ या आपका फ़ायदा उठाऊँ। हम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे हमेशा। तो राबिया चुप हो जाती है, वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलती, और ऐसे ही फिर ये राहुल के घर आ जाते हैं। उसका केक कट होता है, राबिया कुछ पिक लेती है अमान के साथ, और वो सृष्टि को सेंड कर देती है। उसके बाद ये लोग वहाँ इंजॉय करते हैं, और थोड़ी देर बाद अमान और राबिया घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर सृष्टि के पास पिक आती है, तो वो पिक देखती है, तो ईशू कहती है कि क्या देख रही है। तो कहती है पिक आई है राबिया की, वही देख रही हूँ ले देख। तो ईशू देखती है तो उसे बहुत जलन होती है, लेकिन वो कुछ कहती भी नहीं है। अब बेचारी कहती भी क्या, अगर कहती ईशू कुछ बोलती तो सृष्टि थी उसे वहाँ छेड़ने के लिए, इसलिए वो चुप हो जाती है। थोड़ी देर में सृष्टि को भूख लगती है, तो ईशू को बोलती है यार कुछ है क्या किचन में, मुझे भूख लगी आज, मैंने खाना नहीं खाया। तो कहती है हाँ होगा कुछ किचन में। तो कहती है ठीक है कुछ लेकर आती हूँ, फिर साथ में खाएंगे। ये कहकर सृष्टि नीचे जाती है, तो वहाँ ईशू की मम्मी बैठी हुई होती हैं। तो पूछती हैं आंटी पूछती हैं उससे कहाँ जा रही हो इतनी रात को सृष्टि। तो सृष्टि बोलती है मुझे भूख लग रही है तो मैं किचन में जा रही हूँ, और आप दोनों यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं। तो कहती है कि मैं और आपके अंकल अमान और राबिया का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाएं तो फिर हम भी सो जाएंगे, आप खाना खा लो। तो किचन में जाती है, खाना लेकर बाहर आती है, तो आंटी बोलती हैं ईशू को मत खिलाना, डॉक्टर ने मना किया है, उसके लिए कुछ फ्रूट वगैरह लेकर जाओ।
तो शशि ने कहा, मैंने बोला था आंटी, लेकिन वो मुझे बोली कि नहीं वो खाना ही खाना है, ये सब फ्रूट 1 वीक से ही खा रही है, उसे अब कुछ तीखा खाना है। तो अंकल आंटी बोलते हैं, अच्छा रुको हम भी चलते हैं उसको खिलाते हैं। फिर ये तीनों साथ में जाते हैं और ईशु किसी से कॉल पे बात कर रही होती है, तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा इतनी रात को बात नहीं करते किसी से और मोबाइल भी यूज़ नहीं करते। तो ईशु कहती है, पापा वो राहुल का बर्थडे है ना, बस उसे ही विश कर रही थी। तो कहते हैं ओके। फिर कहते हैं, अच्छा खाना क्यों नहीं खाया, मम्मा आपको फ्रूट देकर गई थी फिर भी नहीं खाया। अगर आपकी यही सब हरकतें रही ना तो आपको हॉस्टल में शिफ्ट करा देंगे हम। तो ईशु बोलते, देखा पापा आप भी मम्मा जैसे बन गए हो ना, यही धमकी यही देती रहती है मुझे, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और आप भी यही कर रहे हो। सृष्टि बोलती है, देखा अंकल आपने इसको डर तो है ही नहीं बिल्कुल, इसे थोड़ा डर पैदा करो आप दोनों। तो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, ईशु चुपचाप खाना खाओ ठीक है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा मत चला करो, अच्छे बच्चों की तरह रहा करो। ईशु बोलती, मुझे नहीं खाना ये फ्रूट्स वगैरह, मुझे कुछ तीखा ला कर दो, मैं बीमार हूँ तो मुझे मेरी पसंद का खाना दो, ये क्या रोज़ रोज़ फ्रूट 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 नहीं खाऊंगी, मुझे मुझे चिकन चाहिए। छी चिकन, अबे यार सॉरी, जिन्हें पसंद है उन्हें तो पसंद ही होगा। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा जिद नहीं करते, आपको रोज़ ड्रिप लगती है और इतने ज़्यादा नाटक, ऐसा नहीं चलता है, चुपचाप खाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ईशु कहते हैं, आपको गुस्सा आता है तो आ जाए, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, मेरी जिद समझो या कुछ और, मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। तभी उसकी बुआ आ जाती हैं, वो भी समझाती हैं, लेकिन ईशु नहीं मानती, सब परास्त हो जाते हैं, सब उससे एकदम तंग आ जाते हैं। इतने मेहमान और राबिया भी आ जाते हैं और सीधा ऊपर ही आते हैं, देखते हैं कि ईशु के रूम में महाभारत हो रहा होता है, सब उसको समझा रहे होते हैं लेकिन वो जिद पर अड़ी होती है। दोनों खड़े हो जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस बात पर इतना विवाद चल रहा है। राबिया बोलती है कि देखा अमान आपने कितना कलेश कर दिया। राबिया कहती है, अंकल आंटी आप टेंशन मत लो, मैं खिला दूंगी, आप लोग बाहर जाइए, एक बचने वाला है रात का और आप यहाँ पर हैं, मैं इसको खिला दूंगी कुछ ना कुछ करके ठीक है, आप टेंशन मत लो आप जाओ। तो सब लोग वहाँ से चली जाती है, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो कहती है, आप ये सब कर रहे हो, एक तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, मैंने सोचा सबको इधर ही बुला लेती हूँ, कैसे ना कैसे करके तो मैंने खाने को हथियार बनाया था, और अब क्या ही कहूँ, तुमने सब बेकार कर दिया, लाओ फ्रूट वही खाऊंगी मैं, मुझे अपनी सेहत का बहुत ख्याल है। सृष्टि कहती है, तू क्या पागल है, दिमाग चल गया है तेरा है, पिछले 1.5 घंटे से सबका दिमाग खा रही थी। तो यीशु बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोलती है, अभी बोला ना टाइम पास कर रहे थे, अब मैं खा रही हूँ तो चुपचाप खाने दे मुझे, और तू भी खा ले, भूख लगी थी ना। तो सृष्टि कहती है, मिट गई मेरी भूख, मुझे नहीं खाना अब। यीशु कहती है, मुझे भी नहीं खाना, अब तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो राबे कहती है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, ऐसे तुम दोनों को कूट दूंगी मैं, समझ में आया। तो और कहती है, सृष्टि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। सृष्टि कहती है, ये तो मेरा घर है, मैं कभी भी आ जा सकती हूँ, ईशु से पूछो ये क्या कर रही थी आधी रात को, इसको चिकन खाना था। ईशु कहती है, मेरे ऊपर तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है ये सब नहीं खाने का, तो बस मैं मजाक कर रही थी फैमिली के साथ, मुझे मज़ा आ रहा था। सृष्टि जो है एक तकिया फेंक के मारती है, कहती है, सारा मज़ा निकाल दूंगी अभी। तो यीशु हंसने लगते और कहती है, ओ मिली सोने को गुस्सा आ गया। हाँ सृष्टि बोलती, क्या यार तुझे अच्छा लगता है ऐसे सबको परेशान करना, कब से उन सबका दिमाग खा रही थी, ये खाना है वो नहीं खाना, घास फूस खिलाना फलाना ढिमकाना। तो यीशु अपना कान पकड़ते हुए कहते हैं, अच्छा सॉरी गुस्सा मत कर, अब खाना खा लेना मेरी सोन पर ही। तो फिर ये दोनों खाना खाते हैं। यीशु कहती है राबिया से कि तुमने वो आधी रात की कहानी पढ़ी है। राबिया बोलती है, कौन सी आधी रात।
मेरी तो रात ही काली कर दी तुम दोनों ने मिलकर। यीशु कहती है, तुम धरती पर क्या पैदा हो गई हो, क्यों पैदा हो गई हो, सॉरी तुम धरती पर क्यों पैदा हो गई हो, जब तुमको आधी रात की कहानी का ही नहीं पता है। देखो सृष्टि को पता है, ये क्या बात होती है यीशु यार, मतलब जिसे आधी रात की कहानी के बारे में नहीं पता वो धरती पे क्यों पैदा हो गया, ऐसे तो मुझे भी नहीं पता आधी रात की कहानी के बारे में। और किस किस को पता है मेरे फ्रेंड्स में से जो कहानी सुन रहे हैं, किसी को पता है आधी रात की कहानी क्या होती है? तो सृष्टि बोलती है कि कौन सी आधी रात की कहानी, मुझे भी कुछ नहीं पता। तो रावे हंसने लगती है और कहती है, बनवा लिया मजाक खुद का, मिल गई दिल को शांति। यीशु कहते हैं, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, ठीक है, क्या हुआ, दोस्त है वो मेरी बेवजह, और तुम दोनों को आधी रात की कहानी का नहीं पता ना, कुछ नहीं पता फिर तुम लोगों को। कहती ये मेरा आधी रात का डिनर, यही है मेरी आधी रात की कहानी। तो रावे बोलती, वाह ये क्या बात है, आधी रात का डिनर, और कोई दूसरा नाम नहीं मिला आपको? तो सृष्टि बोलती, ये खुद भूत के साथ जानवर है, तो ऐसे ही नाम आएंगे ना, आधी रात की कहानी, आधी रात का डिनर, कभी कभी आधा रात का भूत, तो चुड़ैल, बस यही सब। रावे और सृष्टि हंसने लगते हैं और यीशु कहते हैं, हाँ हाँ बना लो मजाक मेरा, और आता ही क्या है तुम दोनों को, सीखा ही क्या है तुम दोनों ने। राबिया तुमसे तो मैं गुस्सा थी ना, मुझे याद आ गया, अब मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी आपसे। कहती अच्छा अभी याद आ गया इसलिए बात नहीं करोगी, ये क्या बात होती है? कहती हाँ मैं तब भूल गई थी इसलिए बात कर रही थी, और मुझे अब आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। उसके बाद सृष्टि अपना खाना फिनिश करती है और फिर वहाँ से सानिया के पास चली जाती है सोने के लिए। और सृष्टि जैसे ही सानिया के पास सोने जाती है तो उसे पायल का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने लगती है, रोमांटिक रोमांटिक। पायल कहती है, यार आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगा। सृष्टि कहती है, सॉरी ना जान, हो गया, नेक्स्ट टाइम हम कहीं जाएंगे तो साथ में जाएंगे। पायल कहती है, आप बस ऐसे ही कहती हो, साथ में लेके कहीं नहीं जाती हो, आपसे ना आप बस कहती है, चलो वो ना अब गुस्सा तो छोड़ दो। पायल कहती है, अब आपको नींद आने लगेगी। तो सृष्टि हंसने लगती है, कहती है देखो मुझे बात करनी है, मुझे नींद आती ना तो मैं यीशु के पास ही सोती हूँ उसी रूम में, मैं तुमसे बातें करने के लिए यहाँ सानिया के पास सोने आती हूँ, पता भी है तुम्हें कुछ, यीशु मुझे कितना रोकती है अपने, उसने कितनी बार कहा उसे राबिया के साथ नहीं सोना, मैं उसके रूम में सोऊँ राबिया सानिया के साथ सो जाएगी, लेकिन मुझे आपसे बात करनी होती है इसलिए मैं इस रूम में आती हूँ सिर्फ आपके लिए। इधर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, इधर राबिया यीशु को सॉरी बोलती है और कहती है, अब तक गुस्सा रहना है, हाँ बता दो मुझे अच्छा लगता है क्या बात बात पर गुस्सा करना, अच्छा ठीक है अब मैं मान से बात नहीं करूँगी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो। यीशु कहती है, अच्छा लेकिन क्यों बोलो ना, और हम आपके हैं कौन? तो रावे बोलती है, इस बात का जवाब भी बहुत जल्दी दे दूँगी, लेकिन अभी गुस्सा छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़, देखो कल मैं वापस घर जाने वाली हूँ, अब क्या ऐसे उदास करके भिजवाओगी? यीशु कहती है, सच्ची में जा रही हो क्या, फिर मेरा क्या होगा, मुझसे कौन लड़ेगा? रावे कहती है, इस टाइम पर भी लड़ाई, हाँ अच्छा ये सब छोड़ो, एक बात पूछूँ मैं आपसे? यीशु कहती है, हाँ पूछो। रावे बोलती है, वो रोज़ रोज़ आइसक्रीम और केक आता था, वो आप क्या मेरे लिए मंगवाते थे? यीशु कहती है, हाँ आपके पापा ने बताया था मुझे, वो रोज़ रात को लेके आते थे आपके लिए, तो मैंने सोचा कि अब पापा की बारी यहाँ पर है तो उसके सारे शौक पूरे करना मेरा फ़र्ज़ है। रावे कहती है, बस आपकी यही चीज़ तो अच्छी लगती है मुझे, मेरी केयर करना। यीशु बोलती है, कोई केयर वेयर नहीं है। तो रावे बोलती है, फिर क्या है ये भी बता दो। यीशु बोलती, पता नहीं क्या है, मुझे अच्छा लगता है आपके लिए सब करना, तो बस, लेकिन आप होगी अकेले अकेले सब खाती हो। रावे कहती है, आपकी तबीयत ख़राब हो तो कैसे खिलाऊँ, आप एक बार ठीक हो जाओ फिर खिलाती हूँ।
उसकी बात काट कर यीशु बोलते कि अच्छा एक बात बताओ, ये सृष्टि आजकल कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं सो जाती? रवि बोलते हाँ यार, रुको मैं बुला कर लाती हूँ, आज कोई नहीं सोएगा। हो जाती है उसे बुलाने के लिए, तो देखती है कि किसी से बात कर रही होती है। रवि बोलते सृष्टि किससे बात सुन रही है, किससे बात चल रही है? अचानक से राव्या की आवाज़ सुनकर तो सृष्टि के होश उड़ जाते हैं, मन में सोचते शिट क्या बोलूँ इससे, क्या कहूँ, हद हो गई यार, ये सड़न कैसे आ गई यीशु को छोड़ के, इसे तो यीशु के पास से हटना ही नहीं चाहिए था। उधर से पायल कहते क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, बोल क्यों नहीं रहे आप कुछ? सृष्टि तो कुछ बोल ही नहीं होती, वो उसके तो देखो मेरी भी जुबान लड़खड़ाने लगी, उसके तो होश उड़ जाते, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, बस समझ नहीं आता आखिर वो करे क्या, क्या जवाब दे। इधर राव्या कहती है बताओ ना किससे बात चल रही है इतनी रात को तुम्हारी, 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है भाई, 1 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है, इतनी रात को किससे बात कर रही हो तुम, ऐसा कौन है? ये जो है आवाज़ें उधर पायल के कान तक पहुंचती है और पायल को हंसी आने लगती है कि यार आज तो ये फंस गए अच्छे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, सृष्टि अब क्या करेगी, क्या सृष्टि की पोल खुलेगी या कुछ और होगा, और अगर पोल खुलेगी तो यीशु सृष्टि का क्या हाल करने वाली है, ये सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे अब, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।